फिलहाल मस्त रेडी हो गया मैं, बाल बाल इतने अच्छे से सेट नहीं हुए बिकॉज कल रात को काफ़ी ज़्यादा ऑफिस लगाया था मैंने, उसकी वजह से तो अभी दिखाना है मुझे। चलो चलो ब्लैक हो रही है, मेरे डैड ब्लैक ले जाओ या ब्लू ही ले जाता हूँ, मेरे ख्याल यही ले जाता है। तो चलो मस्त शूज़ पहन लिए निकलते हैं भाई, थोड़ा सा लेट हो गया लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं, पहुँच जाएंगे शायद से। जूली तो मस्त अभी भी सो रही है यार, जूली वैसे जूली जैसी लाइफ हो तो मज़ा आएगा, थोड़ा आराम से 10-12 बजे उठूँगा मैं तो। और भाई इसको भी देखो, ये गिलके ही बोलते हैं इनको, हियर इज दैट, बड़े वाले होंगे ऊपर बाद में देखेंगे। तो भाई लोग अब फिलहाल मस्त मैं क्लास से कॉलेज गया, कॉलेज से सीधा घर पे आ रहा हूँ, मतलब कॉलेज में थोड़ा सा काम था उसके चक्कर में थोड़ा रह गया भाई ब्लॉग करना। मैंने फोटो स्टूडियो में गए थे ज़रा फ़ोटो वोटो निकालने के लिए, एग्जामिनेशन फॉर्म भर रहे हैं अभी, बस एग्ज़ाम आ रही है पास 14 से, हमारी एग्ज़ाम है 14 या 15 से, तो उसके लिए हमको फॉर्म भरने पड़ेंगे ना, तो उस फॉर्म के लिए फ़ोटोज़ निकालने के लिए उसके चक्कर में थोड़ा रह गया। तो चलो अभी तो मस्त मैं अपनी गली में आ गया हूँ, बस यहाँ से सीधा घर पे जाना है, खाना वाना खा के आज थोड़ा सा रेस्ट ही करेंगे। आज मैं सुबह सुबह फुल मतलब फुल नींद हुई है ना, मस्त अच्छा गया है आज का दिन, वरना हर रोज़ तो पूरी हालत ख़राब हो जाती है मेरी। तो भाई लोग चलो यार अभी मस्त चाय पीने के लिए बुला रहे हैं भाई, मतलब मस्त सोया पड़ता है, मज़ा आया आज, आज का दिन सच में बहुत अच्छा गया है मेरे लिए। तो भाई लोग अभी फ़िलहाल मस्त मैं रेडी हो गया हूँ, बिकॉज हर्षाली स्कूल गई है ना, तो उसको स्कूल से लेके आना है भाई, बस नीचे जा रहा हूँ मैं, नीचे जाके पहले बाल सेट करता हूँ, बिकॉज बाल देखो कैसे हो रहे हैं मेरे, तो बाल सेट करते हैं और फिर चलते हैं। तो चलो मस्त रेडी होके निकल गया हूँ भाई, बस अब और थोड़े दिन उसके बाद मतलब मेरे बाल बढ़ गए ना भाई, और बस फिर तो कसम से बोल रहा हूँ बहुत खतरनाक सीन होने वाला है। जैसे अभी भी इतने को छोटे हैं नहीं, अच्छे ही है लेकिन और लंबे चाहिए मुझे, तो आज मैंने काउंट करके देखा भाई सिर्फ 12 सेंटीमीटर के मेरे, 12 सेंटीमीटर के भाई सच्ची में। छोड़ो अपन लेट हो जाएंगे, चलो। तो चलो मैं इसको लेके तो आ गया हूँ भाई, देखो बिना मेरे को ले भागे जा रही है बाइक, मैंने लगा दी, पापा जी को कहीं बाहर जाना था तो यहीं पर लगा दी मैंने। हाँ चलो यार मैं देखता हूँ और थोड़ी देर रेस्ट करता हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, मैं कब से घर पे बैठा हुआ हूँ, मैं बाहर भी नहीं जा सकता बिकॉज और पापा जी बाहर गए हुए हैं ना, तो जब तक पापा जी नहीं आया तो मैं भी कहीं बाहर जा सकता, एक ना एक दिन मुझे घर पे रहना ही होगा ना, एक मिनट में लाइट्स ऑन करता हूँ। हाँ जब तक पापा जी नहीं आ जाते किसी एक को तो घर पे ही रहना पड़ेगा, तो बीच में मैं ही लटक गया, दीदी और उनको तो नहीं मना ही मना नहीं कर सकता भाई, बिकॉज सिर्फ नवरात्रि के 9 दिन नहीं होते जब वो बाहर जाते ऐसे मतलब, तो उनको तो मना नहीं कर सकता ना मैं ऐसे जस्ट वेट कर रहा हूँ पापा जी का, अगर पापा जी जल्दी आ जाते हैं अराउंड अराउंड, ये देखो अभी टाइम क्या हो रहा है 10:15 हो गया मतलब, तो अगर पापा जी 11 से पहले आ जाते हैं, 11 से पहले अगर आ जाते हैं तो फिर मैं गारंटीड आपको आज जलगांव में कुछ ऐसा है मतलब घर बाकी प्लेसेस दिखाने वाला हूँ कि सोच नहीं सकते भाई, थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ मैं, और अगर उससे पहले पापा जी आ गए तो मैं कसम से बोल रहा हूँ भाई बहुत बढ़िया बढ़िया जगह ले जाऊँगा आपको। तो मैंने पानी पी लिया है, देखो यार अगर सच्ची में आता है तो मैं ले जा सकता हूँ, वरना मैं कुछ नहीं कर सकता, वैसे भी आज दिन भर मैंने ज़्यादा कुछ करा तो है नहीं, आराम ही किया है आज, आज अच्छा था कि छुट्टियाँ मिल गई हमको, एक तो यार घर के बगल में ही चल रहा है ये डीजे, तो थोड़ा सा दिक्कत हो रही है मुझे ऐसे कुछ भी गाँव में बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है इसलिए, तो मैं वेट करता हूँ पापा जी का, देखता हूँ कब तक आते हैं, आज जैसे ही आएंगे भाई अपन डायरेक्ट यू करके रवाना हो जाएंगे। इसलिए जो घर के पास सही दांडिया चल रहा था वो तो बंद हो गया, लेकिन भाई और 10:30 भी बज गए लेकिन अभी तक पापा जी आए नहीं, पता नहीं अभी मैं 11 बजे तक के बता सकता हूँ भाई, 11 बजे के अंदर अगर आ गए पापा जी तो मैं इजीली जा सकता हूँ, उसके बाद आए तो क्या ही कर लूँगा मैं, कुछ नहीं कर सकता यार, एक तो दीदी और वो सब भी बाहर गए तो मैं रॉक नहीं लगा सकता बिकॉज ऑफ इसकी वजह से घट मांडा है बनाया मांडा है हमने, घट बिठाया है ना, तो जब तक
खुद का पूरा काम नहीं हो सकता तब तक हम मतलब ऐसे घर अकेला छोड़ के नहीं जा सकते लॉक लगा के, तो उसकी वजह से घर हम बंद नहीं कर सकते। तो जब तक कोई एक जना तो रहना ही चाहिए घर पे, उसके से हम कुछ नहीं कर सकते। तो वेट करते पापा जी अगर जल्दी आ जाए तो अच्छा है, वरना फिर घर पे एक काम करते तब तक भाई यूट्यूब देखते हैं। तो चलो ये स्टार्ट हो गई, अभी सीधा यूट्यूब लगाते हैं। ये लो भाई सिंगल क्लिक में यूट्यूब ओपन होता है अपने, इसमें वैसे मतलब कस्टमाइज कराए मैंने बाद में सेटिंग्स से। तो क्या देखें बहुत कुछ है वैसे तो देखने को, देखते हैं चलो। तो भाई लोग फाइनली यार जस्ट कितने 3 मिनट बचे हैं 11 बजने को, अभी मैं तो बिल्कुल कुछ नहीं कर सकता यार। मैं कर भी क्या सकता हूँ, अभी घर पे कोई है नहीं, पापा जी आए नहीं, दीदी और अभी भी गरबा खेल रहे होंगे, मैं घर छोड़ के पापा जी आई एम थिंकिंग अबाउट क्या मैं जा सकता हूँ या नहीं, छोड़ो भैया। तो भाई लोग सभी के सभी घर आ गए और टाइम देख लो भाई 11:15 हो गया। तो फिर से अभी मैं कहीं भी नहीं जा सकता यार, मैं क्या करूँ, मैंने बहुत ज़्यादा ट्राई करा है कि मैं जाऊँ, लेकिन आपको पता है। हेलो सर, हाँ पार्टी है पार्टी। ओके चलो गाइस अभी फिलहाल तो मैं इस ब्लॉग को एंड करता हूँ, छोटा यार मेरा फुल दिमाग खराब हो गया। तो फिलहाल तो मैं इस ब्लॉग को एंड करता हूँ, हो सो आपसे अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में, यानी कल, अच्छा और एकदम इंटरेस्टिंग ब्लॉग लेके। बाय।